हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देहरादून स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं यानी इंपोर्टेड जो पासेस हैं और उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं वह डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों और यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम जम्मू कश्मीर के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वह डिस्कस करते हैं। जम्मू कश्मीर से तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे वह है बनिहाल दर्रा, इसके अलावा दोस्तों जोजिला दर्रा और तीसरा जो है वह है बुरजिला दर्रा। इसके अलावा दोस्तों पीर पंजाल दर्रा भी, वह भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये तीन दर्रे आपको विशेषता ध्यान रखने हैं, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बुरजिला दर्रा। बनिहाल दर्रा की बात करें दोस्तों तो जम्मू श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। जोजिला दर्रा की बात करें तो श्रीनगर लेह को, और बुरजिला दर्रा की बात करें तो श्रीनगर और गिलगिट को। गिलगिट यानी जो पीओके वाला क्षेत्र है, पाक ऑक्युपाइड वाला कश्मीर वाला क्षेत्र है, उसे जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों यह तीन दर्रे जो श्रीनगर जम्मू से हैं महत्वपूर्ण है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लद्दाख पे बात करते हैं तो लद्दाख का जो आपको ध्यान रखना है वह है अघेल दर्रा, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है काराकोरम दर्रा। तो यह जो दर्रे हैं लद्दाख में स्थित हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ये पांच दर्रे महत्वपूर्ण हैं। अब दोस्तों आप जैसे ये बनिहाल दर्रा है, इसे आप कैसे याद कर सकते हो? जैसे इस तरीके से भी याद कर सकते हो, जैसे हम कहें कि जम्मू श्रीनगर के हाल बुरे हैं, यानी बुरे हाल है जम्मू श्रीनगर के, तो बुरे हाल यानी बनी हाल, तो इस हिसाब से जम्मू श्रीनगर का दर्रा आसानी से याद कर सकते हैं। अब थोड़ा दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे हैं वह डिस्कस करते हैं। दोस्तों मैंने थोड़ा कलर हर उसके लिए अलग अलग किया है जिससे आपको पहचाने में दिक्कत ना आए। जैसे अगर सबसे पहले दोस्तों हम बात करें रोहतांग दर्रा जो मनाली और लेह को जोड़ने का काम करता है, ये हिमाचल के हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है वह कौन सा है, वह बारा लाचा या बारा लाचा दर्रा जो मंडी और लेह को जोड़ने का काम करता है। मंडी यानी हिमाचल प्रदेश का एरिया और लेह यानी जो लद्दाख वाला क्षेत्र है। और इसके अलावा दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वह है सिपकिला दर्रा जो शिमला और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं, यही बार बार एग्जाम में आते हैं। रोहतांग दर्रा आता है, बाड़ालाचा दर्रा आता है, सिपकिला दर्रा आता है। पूछा जाता है कि कौन कौन से किस किस को जोड़ने का काम करता है। ऐसे रोहतांग दर्रा की बात करें लेह मनाली, लेह मंडी की बात करें बाड़ालाचा, और शिमला तिब्बत की बात करें तो सिपकिला दर्रा। यह महत्वपूर्ण दर्रे हिमाचल प्रदेश के हैं। अब उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के लिए दोस्तों हमने एक अलग से पीपीटी बना रखी है, वो हम लास्ट में यहां पर डिस्कस करेंगे। वह बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के एग्जाम की दृष्टि से। फिलहाल जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम की बात करें या फिर अन्य एग्जामों की बात करें, अदर स्टेट की बात करें, वहां पे जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, माणा दर्रा और लिपुलेक दर्रा। तो माणा दर्रा और लिपुलेक दर्रा कहां पे, उत्तराखंड में, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में जो सबसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं दोस्तों वह है नाथुला दर्रा, और एक और जो दर्रा है वह है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दोस्तों वहां की एक जनजाति भी है, यह भी आपको ध्यान रखना है, जो लेप्चा जनजाति है। और नाथुला दर्रा की बात करिए सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है, और जेलेपला की बात करें वो सिक्किम और भूटान को जोड़ने का काम करता है। तो पूछा जाएगा दोस्तों सिक्किम और भूटान के मध्य कौन सा दर्रा है, वह जेलेपला दर्रा। सिक्किम और तिब्बत के बीच में नाथुला दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है दोस्तों। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था उस समय यह मार्ग बंद कर दिया गया था, और 2006 में दोबारा इसे ओपन कर दिया गया था। यह भी ध्यान रखना है नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत के बीच में। अब दोस्तों हम बात करते हैं अरुणाचल और तिब्बत के बीच में, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वह है दोस्तों बोमडिला दर्रा। दोस्तों बोमडिला दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा में थोड़ा कंफ्यूज होता है, इसलिए आपको यहां पर विशेष ध्यान रखना है। बोमडिला जो दर्रा है वो अरुणाचल और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। या इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है वह जो दर्रा है वह है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दर्रे के माध्यम से जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों वह भारत में प्रवेश करती है। तो यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में। इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से एक और दर्रा है, वह जो दर्रा है वह दीफू दर्रा। लेकिन दोस्तों यह जो दीफू दर्रा है वह किसे जोड़ने का काम करता है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में, यानी तिब्बत के बीच में नहीं है, यह म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। तो आपको यह ध्यान रखना दोस्तों। अब एक और दर्रा आपको ध्यान रखना है, वह जो दर्रा है दोस्तों वह है तुजू दर्रा। और तुजू दर्रा की बात करें वह मणिपुर है, यानी जो मणिपुर की राजधानी इंफॉल है और म्यांमार है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो महत्वपूर्ण दर्रे दोस्तों उत्तर भारत से हिमालय की जो श्रेणी से जो दर्रे हैं एग्जाम की दृष्टि से यही है।
अब दोस्तों बात करेंगे मुंबई के बारे में यानी महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। एक जो दर्रा है दोस्तों जो मुंबई में है वह है थाल घाट, जो मुंबई नासिक और कोलकाता के बीच में है। यानी इसी रास्ते से जो रास्ता जाता है वो कोलकाता तक जाता है, यानी थाल घाट होते हुए मुंबई नासिक कोलकाता। और इसके अलावा एक और जो घाट है, जो एक और दर्रा है, वह है भोर घाट, जो मुंबई पुणे और चेन्नई के बीच में। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में बने हैं कि भोरघाट किसे जोड़ने का काम करता है, तो मुंबई और चेन्नई के बीच में। कई बार प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि मुंबई और चेन्नई के बीच में कौन से दर्रे से होकर जाना पड़ता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा भोरघाट होगा। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुंबई और कोलकाता के बीच में, तो उस स्थिति में थालघाट राइट आंसर होगा। अब दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में दोस्तों एक है सेनकट्टा जो तमिलनाडु में है, केरल तमिलनाडु को जोड़ता है, और एक और ध्यान रखना वह है पालघाट दर्रा। पालघाट की बात करें वह केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों यही महत्वपूर्ण दर्रे हैं भारत की दृष्टि से, भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो आपने दोस्तों यहां पर यह देख लिया, अब इन्हें थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे। यहां से आपको आसानी से अब याद हो जाएगा, जैसे काराकोरम दर्रे की बात करें सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है और इसकी जो हाइट है वह लगभग कितनी है, 5654 मीटर है। यानी भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा भी काराकोरम है। लेकिन दोस्तों अगर हम रियलिटी की बात करें तो जैसे हमारा जो थांगला दर्रा है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिले में स्थित, उसकी हाइट 6904 मीटर है। तो यानी इस हिसाब से तो वो सबसे ऊंचा है, लेकिन कई बार वो ऑप्शन में नहीं आएगा, तो आपको ध्यान रखना है काराकोरम सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है और जिसकी हाइट कितनी है, 5654 मीटर। इसके अलावा जो जिला दर्रा की बात करें कश्मीर और लेह के बीच में, तो कश्मीर और लेह के बीच में कौन सा हो गया, जजिला दर्रा हो गया। और बनिहाल दर्रा यानी बुरे हाल है जम्मू श्रीनगर के, तो यानी बुरा हाल जम्मू श्रीनगर के बनिहाल दर्रा। और यहां पे आपको ध्यान रखना दोस्तों जो जवाहर सुरंग है, जो जवाहर सुरंग है वह इसी दर्रे से होकर गुजरती है। तो पूछा जा सकता है कि जवाहर जो सुरंग है किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो बनिहाल दर्रा। और बुर्जिला दर्रा आपको ध्यान रखना है वह कहां पर है, श्रीनगर और गिलगित के मध्य। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में यह थे। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश से जो महत्वपूर्ण दर्रे जैसे भी हमने डिस्कस किया था, एक है बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा। बारालाचा जो मंडी और लेह को जोड़ने का काम करता था, रोहतांग दर्रा जो किसको, मनाली और लेह को जोड़ने का काम करता था, और सिपकिला दर्रा जो शिमला और तिब्बत को जोड़ने का काम करता था। और दोस्तों एक की पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो सतलुज नदी है उसका जो प्रवेश होता है वह सिपकिला दर्रे से ही होकर आता है, तो यह पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। ऐसे सिक्किम की बात करें तो दो महत्वपूर्ण दर्रे थे, एक है नाथुला दर्रा और दूसरा जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था उस समय बंद करा दिया गया था यह रास्ता, और 2006 में इसे दोबारा खोला गया था। इसके अलावा जेलेपला दर्रा की बात करें जो सिक्किम और भूटान के मध्य स्थित है, और यहां पर दोस्तों जो लेपचा जनजाति है वह पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न बन चुका है कि जो लेपचा जनजाति है कहां पर है, तो वह कहां है, वह भूटान में है, सिक्किम में है और इसी दर्रे के आसपास भी है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में। तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों एक है बोमडिला दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश के जो तवांग घाटी है, तवांग क्षेत्र है, उसे तिब्बत के साथ जोड़ने का काम करता है। और तवांग से दोस्तों एक पॉइंट यह भी बनता है कि जो प्रसिद्ध तवांग मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा यांग्याप दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में ही है, और यांग्याप दर्रा से दोस्तों एक चीज यह ध्यान रखना कि यहां से जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका प्रवेश होता है। ऐसी बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में, वह दिफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। और ऐसे दोस्तों एक है तुजू दर्रा जो म्यांमार और मणिपुर को जोड़ने का काम करता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब जैसे मुंबई की बात करें तो मुंबई में दो प्रमुख दर्रे हैं, एक है थाल घाट और एक है भोर घाट। थाल घाट की बात करें तो मुंबई नासिक कोलकाता के बीच में, और भोर घाट की बात करें तो मुंबई पुणे और चेन्नई, तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें केरल में या तमिलनाडु में, इन दोनों को जोड़ने वाले दो प्रमुख दर्रे हैं, एक है पालघाट दर्रा और एक है सेनकटा दर्रा। पाल घाट की बात करें तो इसका नाम पाल कक्कड़ दर्रा भी बोला जाता है, जो कोझिकोड केरल को कोयंबटूर जो तमिलनाडु है उसे जोड़ने का काम करता है। और महत्वपूर्ण दोस्तों यहां पर यह ध्यान रखना है कि यह दर्रा जो अन्नामलाई जो प्रमुख पहाड़ी है और नीलगिरी जो प्रमुख पहाड़ी है इनके मध्य स्थित है, तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सेनकटा दर्रा की बात करें तो ये दो प्रमुख शहर जैसे त्रिवेंद्रम हो गया और मदुदरे हो गया, तो इन्हें भी जोड़ने का काम करता है। यह तो दोस्तों भारत के प्रमुख दर्रे हैं जो स्टैटिक जीके के पोर्शन में पूछे जाते हैं, जीएस के पोर्शन में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं
उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे जो उत्तराखंड के एग्जाम में उत्तराखंड सब्जेक्ट में स्पेशली पूछे जाते हैं, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जो जोड़ने वाले महत्वपूर्ण दर्रे हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है वह है श्रीखंड दर्रा और इसके अलावा एक और है बरासू दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी को जो जोड़ने वाला जो महत्वपूर्ण दर्रा है वो यही है, श्रीखंड दर्रा हो गया और बरासू दर्रा हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें थांगला दर्रा, इसके अलावा मुलिंगला दर्रा और एक और है सांग चोकला दर्रा। यह जो दर्रे हैं तिब्बत और उत्तरकाशी को जोड़ने का काम करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, सांग चोकला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने का काम। इसके अलावा दोस्तों उत्तरकाशी में और भी दर्रे हैं जैसे बालीपास हो गया। इसके अलावा एक और ध्यान रखना है वह है ओडनखोल दर्रा। ओडनखोल दर्रे की बात करें तो यह जो भिलंगना घाटी है यानी टिहरी के आसपास जो भिलंगना घाटी है उसे जोड़ने का काम करता है। तो उत्तरकाशी के महत्वपूर्ण दर्रे ये थे दोस्तों। अब आपको एक दर्रा यहां पे और भी ध्यान रखना है, उस दर्रे का नाम है कालिंदी दर्रा, जो चमोली दोस्तों और दूसरा कौन सा उत्तरकाशी, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को इन दोनों जिलों को जोड़ने का काम करता है। तो कालिंदी दर्रा भी हो गया दोस्तों। चमोली और तिब्बत के बीच में जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उन्हें डिस्कस करते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे बात करें नीति दर्रा, आप सभी जानते हैं मानाक दर्रा हो गया, डोंगरीला दर्रा हो गया, इसके अलावा किंगरी बिंगरी हो गया दोस्तों, बालचा दर्रा हो गया, चौरहोती दर्रा हो गया, सलसला दर्रा हो गया, लमलंग दर्रा हो गया और एक और ध्यान रखना दोस्तों वह है तंजुन दर्रा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं दोस्तों। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है वह है घाटलिया दर्रा, भूंडारगार दर्रा और कोई दर्रा। यह जो दर्रे हैं दोस्तों चमोली और तिब्बत के बीच में है। कई बार प्रश्न बनते हैं कि यह दर्रे कहां पर है, चाहे पूछा कोई दर्रा कहां पर है, चौरहोती दर्रा कहां पर है। दोस्तों चौरहोती दर्रा तो ऐसा दर्रा है जो कंफ्यूजिंग करता है, क्योंकि एक नाम आता है बारहोती दर्रा। बारहोती दर्रा और चौरहोती दर्रा लगभग लगभग सेम ही लगते हैं। चौरहोती की बात करें तो तिब्बत और चमोली के बीच में, लेकिन अगर बारहोती की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में, तो यह भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में, तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों बारहोती दर्रा जैसे अभी बताया मैंने आपको, इसके अलावा मारचौक हो गया, लातूधुरा हो गया और एक और ध्यान रखना वह है टोपी धुंगा दर्रा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है जो पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें वह जो दर्रा है वह सुंदर डूंगा दर्रा, जो किसके बीच में है बागेश्वर और चमोली के बीच में। एक ही महत्वपूर्ण दर्रा है जो बागेश्वर और चमोली के बीच में है, वह कौन सा है, सुंदर डूंगा दर्रा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं पिथौरागढ़ के बारे में। तो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे जैसे दारमा नबी धुरा दर्रा, ओटा जयंती दर्रा, दोस्तों यह भी प्रश्न भी बना था। इसके अलावा लेबी धुरा हो गया, मनुष्या लंपिया दर्रा हो गया, लिपुलेख दर्रा हो गया दोस्तों। तो यह महत्वपूर्ण दर्रे हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखने हैं। अब थोड़ा आगे बात करते हैं पिथौरागढ़ में ही दोस्तों, एक है सिनला दर्रा और एक आपको ध्यान रखना है वह है ट्रेल पास। जो ट्रेल पास है वह बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है और जिसकी हाइट लगभग 5356 मीटर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों जो पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में है वह कौन सा है, लासपा दर्रा। तो धन्यवाद दोस्तों, यही महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आगे भी आएंगे। तो साथियों आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नए वीडियो में।